बिहार में 75% आरक्षण मामले में सभी पार्टियां अपनी अपनी पीठ थपथपा रही हैं। राजद नेताओं के द्वारा दिए गए बयान और लालू को आरक्षण का मसीहा बताए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने बयान जारी करते हुए कहा है कि राजद सबसे बड़ी दुश्मन है जो आरक्षण लागू करना नहीं चाहती है। तो राजनीतिक स्थिति, खराब स्वास्थ्य और बिगड़ी हुई मानसिक अवस्था का फायदा उठा करके इस विषय का श्रेय लेना चाहता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि जिस कैबिनेट ने इस प्रपोजल को पास किया, सर्वे को पास किया, उस कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री थे। जिस कैबिनेट ने संसाधन दिया, उस कैबिनेट में भी भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री थे। और लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा से आरक्षण विरोधी रहा है। तथ्यों को याद करें, लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में पंचायत चुनाव लालू प्रसाद यादव के इशारे पे बिना आरक्षण लागू किए हो गए थे। वो एक डिलिबरेट मूव था लालू प्रसाद यादव का, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल किसी को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। बिहार के सरकारी महाठगबंधन में बिहार में आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाए जाने के श्रेय को लेने की एक होड़ सी लग गई है। राष्ट्रीय जनता दल, जिसने इस विषय में कुछ भी नहीं किया, वो नीतीश कुमार जी की कमजोर राजनीतिक स्थिति, खराब स्वास्थ्य और बिगड़ी हुई मानसिक अवस्था का फायदा उठा करके इस विषय का श्रेय लेना चाहता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि जिस कैबिनेट ने इस प्रपोजल को पास किया, सर्वे को पास किया, उस कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री थे। जिस कैबिनेट ने संसाधन दिया, उस कैबिनेट में भी भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री थे। और लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा से आरक्षण विरोधी रहा है। तथ्यों को याद करें, लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में पंचायत चुनाव लालू प्रसाद यादव के इशारे पे बिना आरक्षण लागू किए हो गए थे। वो एक डिलिबरेट मूव था लालू प्रसाद यादव का, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल किसी को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन गोपालगंज पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया के मैच हारने के बाद प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ वर्ल्ड कप में, 10 मैच जीतने के बाद 11वां मैच हम लोग नहीं जीत पाए। मैदान में कई बार जीत हार होती रहती और देश के प्रधानमंत्री, होस्ट कंट्री के प्रधानमंत्री के नाते वहां पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया के भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता, वो हमसे बेहतर खेले और वो जीते। हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही, राहुल गांधी ने जिस तरह अपमानित किया है देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहकर, ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी खेल पर भी राजनीति करना चाहती। जिस तरह के शब्द बोले ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। हम ये मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री देश के लिए खुशकिस्मत हैं कि आज देश उनके नेतृत्व में $5 trillion की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी को देश का भला देखा नहीं जाता है। जब देश में कोई बड़ी कामयाबी होती है तो वो मोदी जी को धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जब भी कोई नाकामी हो जाती है तो मोदी जी के नाम से जोड़कर और देश का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। मोदी जी कोई इंडिविजुअल नहीं, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के चुने हुए नेता हैं और उनको इस तरह से पनौती कहकर जो अपमानित करने का काम किया गया है उसको कभी भी देश की जनता माफ नहीं करेगी। राजस्थान के चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी को इसका करारा जवाब मिलेगा।